अर्जुन लाल जी सेट्टी, जो कि हमारे एक तरीके से स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे? राजस्थान के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। अर्जुन लाल सेट्टी, अंग्रेजी में अर्जुन लाल सेट्टी लिखा हुआ, जन्म इनका 9 सितंबर 1880 को हुआ जयपुर में, और मृत्यु इनको 23 दिसंबर 1947 को ही। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे वो। बाकी देखते हैं, दिल्ली के चांदनी चौक में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस गुजर रहा था, तब इस पर बम फेंका गया। बम फेंकने की योजना अर्जुन लाल सेट्टी द्वारा बनाई गई, अतः सेट्टी को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ कोई सबूत ना मिलने से उन्हें सजा नहीं दी जा सकी। फिर भी बिना मुकदमा चलाए सेट्टी को जेल में बंद कर दिया गया और सन रखा गया, और सन 1920 तक राजनीतिक कैदियों को क्षमा किया गया तो अर्जुन लाल सेट्टी को भी छोड़ दिया गया। ये उनकी पिक्चर बनी हुई अर्जुन लाल सेट्टी जी की, इस तरह के दिखते थे वो। आगे देखते हैं, अर्जुन लाल जी सेट्टी पूरा नाम था इनका, 9 सितंबर 1880 में इनका जन्म हुआ था जयपुर में जन्म हुआ था, 23 दिसंबर 1941 यानी आज़ादी का सूरज देखे बिना इनकी डेथ हुई थी। भारतीय नागरिकता है, एक स्वतंत्रता सेनानी है। और अन्य जानकारी देखते हैं, अर्जुन लाल सेट्टी अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मुसलमान बच्चों को अरबी और फारसी पढ़ाते समय यहीं पर उनका निधन हुआ और दरगाह के लोगों ने उन्हें मुस्लिम समझकर दफना दिया। वैसे उनको अंतिम इच्छा भी यही थी। अर्जुन लाल सेट्टी का जन्म 9 सितंबर 1880 ईस्वी को जयपुर के एक जैन परिवार में हुआ। 1902 में उन्होंने इलाहाबाद से बीए पास की। इसके बाद वो चौमू के ठाकुर देवी सिंह के शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए। 1960 में उन्होंने लोगों को राजनीतिक शिक्षा देने के लिए जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। प्रत्यक्ष रूप से वे एक धार्मिक विद्यालय था, किंतु वास्तव में वे क्रांतिकारियों का प्रशिक्षण केंद्र था। जो वर्धमान विद्यालय था वो एक तरीके से क्रांतिकारियों का केंद्र था। इस विद्यालय में न केवल भारत राजस्थान से बल्कि अन्य भारत के अन्य भागों से क्रांतिकारी प्रशिक्षण लेने आते थे। धीरे धीरे अर्जुन लाल सेट्टी का स्कूल राजस्थान के क्रांतिकारी गतिविधियों का अड्डा बन गया। क्रांतिकारी गतिविधियां देखते हैं, क्रांतिकारी आंदोलन के चलते चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी, अतः अर्जुन लाल सेट्टी ने मुगल सराय में स्थित एक धनी महंत की हत्या कर उसका धन प्राप्त करने की योजना बनाई। ये उन्होंने मतलब हत्या कर धन प्राप्त किया ताकि वो क्रांतिकारी गतिविधियों में लगा सके। सेट्टी ने वर्धमान विद्यालय के शिक्षक विष्णुदत्त के नेतृत्व में 4 विद्यार्थियों को बनारस भेजा। इस दल में ने 20 मार्च 1913 को महंत और उसके नौकर की हत्या कर दी और दुर्भाग्य से उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। हत्याकांड में भाग लेने वाले सभी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसमें एक छात्र मोतीचंद को फांसी दे दी गई और विष्णुदत्त को आजीवन कारावास की सजा हुई। सबूतों के अभाव में अर्जुन लाल सेट्टी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इस प्रकार उस मैटर में वो बच गए थे बनारस वाले में। आगे देखते हैं, 23 दिसंबर को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग का जुलूस में दिल्ली के चांदनी चौक से गुजरा, तभी उस पर बम फेंका गया। सामान्यतः ये माना जाता है बम फेंकने वाले प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस थे, किंतु वास्तव में ये बम राजस्थान के क्रांतिकारी ठाकुर जोरावर सिंह भारत ने बुरका ओढ़कर चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी लाइब्रेरी से फेंका था। ये सामान्यतः तो ये माना जाता है कि ये बम रास बिहारी बोस ने फेंका था, पर उन्होंने फेंका था। हार्डिंग बम कांड के सिलसिले में जो व्यक्ति बंदी बनाए गए उनमें राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी बालमुकुंद मोतीचंद और विष्णुदत्त भी थे। इस मुकदमे के मुखबिर अमीर चंद ने अपनी गवाही देते समय यह रहस्य उद्घाटन किया कि षड्यंत्र की योजना अर्जुन लाल सेट्टी द्वारा तैयार की गई थी और अर्जुन लाल सेट्टी को गिरफ्तार कर लिया गया। सजा, अर्जुन लाल सेट्टी के खिलाफ कोई सबूत न मिलने पर उन्हें सजा नहीं दी जा सकी। फिर भी बिना मुकदमा चलाए सेट्टी को जेल में बंद रखा गया। 5 अगस्त 1914 को जयपुर के महाराज के आदेश पर उन्हें 5 वर्ष का कारावास मिला। सरकार को भय था कि अर्जुन जयपुर जेल में अर्जुन लाल सेट्टी की उपस्थिति से जयपुर में शांति व्यवस्था खतरे में पड़ सकती है, इसलिए सेट्टी को वेलूर मद्रास जेल में भेजा गया। यही वेलूर में अर्जुन लाल सेट्टी को राजनीतिक कैदियों के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार में 70 दिन तक भूख हड़ताल की उन्होंने, और सन 1920 में जब राजनीतिक कैदियों की क्षमा किया गया तो सेट्टी को भी छोड़ दिया गया। क्रांतिकारियों से संबंध, जेल में आने के बाद अर्जुन लाल सेट्टी का कार्यस्थल अजमेर हो गया। आने के बाद उसके बाद प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद और उनके दल के लोग मार्गदर्शन के लिए आते थे। उन्होंने मेरठ षड्यंत्र कांड के अभियुक्त शौकत उस्मानी और काकोड़ी कांड के फरार अभियुक्त अशफाकुल्ला खां को अपने घर में शरण दी। इस प्रकार वो गतिविधियों से जुड़े हुए रहे थे। मृत्यु, गांधीवादी कांग्रेसियों के षड्यंत्र के कारण अर्जुन लाल सेट्टी कांग्रेस से अलग हो गए। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्होंने अपना जीवन निर्वाह करने के लिए अजमेर में ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में मुसलमान बच्चों को अरबी फारसी पढ़ाना शुरू किया था। यहीं 23 दिसंबर 1941 को उनका निधन हो गया। दरगाह के लोगों ने उन्हें मुस्लिम समझकर दफना दिया। राजस्थान की राजनीतिक चेतना जागृत करने वाले नायकों में अर्जुन लाल सेट्टी अग्रणी है। अब ये हमारा अर्जुन लाल सेट्टी पे जो लेक्चर था वो समाप्त होता है। धन्यवाद।